कर्नाटक में बीजेपी ने सीएम बदल दिया। येदुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को कर्नाटक की कमान सौंप दी गई, लेकिन बोम्मई के सामने भी वो ही मुश्किल बनी हुई है जो येदुरप्पा के सामने थी। पार्टी के विधायक सीएम पर मंत्री पद के लिए दबाव बना रहे हैं, तो मंत्री बड़े मंत्रालय हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। और अब एक और मामला सामने आ गया है जिससे सरकार के मंत्री ही आमने सामने आ गए हैं। बोम्मई सरकार को बने अभी कुछ ही समय हुआ, लेकिन कर्नाटक के मंत्री ही अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। पहले मंत्रालयों को लेकर लड़ाई चल रही थी और अब कर्नाटक सरकार में मंत्री वी सोमन्ना और आर अशोक के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के जिला प्रभारी पद को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। अभी तक ये तय माना जा रहा था कि बोम्मई इस महत्वपूर्ण पद को राजस्व मंत्री आर अशोक को सौंप सकते हैं, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक के आवास और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री वी सोमन्ना ने इसके लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। साथ ही उन्होंने आर अशोक पर निशाना साधते हुए कहा, जब मैं मंत्री था तब अशोक सिर्फ एक विधायक थे, मुझे नहीं पता कि उनके पिता ने उनका नाम अशोक क्यों रखा। वो सम्राट अशोक की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं उनसे अधिक वरिष्ठ हूँ और मैं पिछले 40 वर्षों से राजनीति में हूँ। तो सोमन्ना ने साफ कर दिया है कि राजनीति में अशोक उनके सामने बच्चे ही हैं, लेकिन अशोक ने भी सोमन्ना को उनकी ही भाषा में जवाब दिया है। अशोक ने कहा, मैंने किसी भी जिला प्रभारी पद की मांग नहीं की है, मुख्यमंत्री का अधिकार प्रभारी मंत्री नियुक्त करना है, मैं मुख्यमंत्री के फैसले के लिए प्रतिबद्ध हूँ। दरअसल आर अशोक को सीएम का करीबी माना जाता है और उन्हें बेंगलुरु का प्रभारी बनाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, जबकि सोमन्ना ने खुद ही इस पद पर अपना दावा ठोक दिया है। सोमन्ना के सार्वजनिक रूप से दावा करने के बाद जब सीएम बोम्मई से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं सभी से सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा करने के बाद फैसला करूंगा कि किसे किस जिले का प्रभारी बनाया जाए। बेंगलुरु अहम है और मुझे भरोसा है कि सभी के साथ चर्चा के बाद मैं इस मुद्दे का समाधान बिना किसी परेशानी के कर लूंगा। एबी लाइव की रिपोर्ट।